नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों क्या आपको पता है कि अंत भला तो सब भला मुहावरे का अर्थ और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि अंत भला तो सब भला मुहावरे का अर्थ क्या होता है और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंत बला तो सब बला मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होगा यदि कार्य का अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है एक बार फिर से बता देते हैं कि अंत बला तो सब बला मुहावरे का अर्थ होता है यदि कार्य का अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अंत बला तो सब बला मुहावरे को किस तरह से समझाया जा सकता है साथियों आज के समय में ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जब वह कार्य सही तरह से पूरा हो जाता है यानी उस कार्य का अंत हो जाता है तो यही कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला इस तरह से लोग कहते हैं कि अगर अंत में वह कार्य अच्छी तरह से हो जाए तो सब कुछ अच्छा होता है दोस्तों इस तरह से कहा जा सकता है कि अंत बला तो सब बला मुहावरे का अर्थ होता है यदि कार्य का अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है और वहीं पर इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग होगा जहां पर यदि कार्य का अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा होने की बात होगी तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अंत बला तो सब बला मुहावरे का वाक्य प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है रमेश बहुत ही बीमार था उसकी मृत्यु का समय भी आ गया पर वह धीरे धीरे सही होने लगा और वह बीमारी से मुक्त हो गया इसलिए कहा जाता है कि अंत बला तो सबला सब नेक्स्ट में प्रयोग है राघव ने एक नया काम हाथ में लिया था और उस काम में उसे बहुत ही नुकसान हो गया अंत में वह उस काम को छोड़ दिया तो उसके पिता ने कहा कि अंत बला तो सब बला नेक्स्ट में प्रयोग है रामेश्वर ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया और नौकरी लगाया जब रामेश्वर बीमार पड़ गया तो वे दोनों बेटे नौकरी छोड़कर अपने पिता की सेवा करने लगी इस तरह से कहा जाता है कि अंत बला तो सब बला। नेक्स्ट वाक्य प्रयोग है राघवानी के घर में चोर घुस आया चोर सारा धन चुरा कर ले गया और अंत में चोर पकड़ा गया और राघवानी का सारा धन वापस मिल गया किसी ने सच ही कहा है अंत बुला तो सब बुला तो इस तरह से दोस्तों अंत भला तो सब भला मुहावरे का अर्थ और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया जाता है अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए कमेंट में बताना कि आप किस मुहावरे के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं हम उस पर एक अलग से और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे